Hello everyone and assalamualaikum. This is Nia Biha and welcome back to my YouTube channel. उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे. मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत मजे में हूँ, बहुत खुश हूँ. आप लोग भी ऐसे ही होंगे और लास्ट वाला ब्लॉग आप लोगों ने बेहद एंजॉय किया होगा. बाय द वे आज है डे टू, मतलब रबीका का आज है सेकेंड इवेंट और आज है ढोल की नाइट और मैं वहां जा रही हूँ और उससे पहले मुझे होना है तैयार. आज आप लोगों की अभिया के साथ हुआ कुछ ऐसे कि आपके अभिया ने ढोलकी ने एक ड्रेस ऑर्डर किया था और उस ड्रेस में इशू ये आया कि जब मैंने वो पहन के देखा तो उसकी लेंथ शॉर्ट थी और उसके ट्राउजर में कुछ इश्यूज थे, तो इस वजह से मैं वो ड्रेस नहीं पहन पाई. तो आपके अभिया के पास रखा हुआ था ये व्हाइट ड्रेस, तो मैं ये पहन के जा रही हूँ. अभी मैंने लेंसेस लगा लिए हैं, मैं जा रही हूँ अपना मेकअप करने, फिर उसके बाद सलून जाएंगे, वहां से अपनी हेयर स्टाइलिंग करवाएंगे एंड देन वहां से हम जाएंगे रबीका के इवेंट में. तो देखते हैं आज आपके अभिया कैसे लगती है, आज का इवेंट कैसा होता है. आप लोगों ने मेरे साथ एंड तक जुड़े रहना है, व्लॉग को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और आप लोगों का ध्यान सिर्फ मुझ पर होना चाहिए इस व्लॉग में. और पीछे वाले बैकग्राउंड को तो बिल्कुल ही आप इग्नोर कर दें क्योंकि कल हल्की फुल्की सी बारिश हो गई थी जिसकी वजह से हमें हमारा थोड़ा सा सामान और कुछ कपड़े यहाँ पर रखने पड़ गए. तो चलते हैं भाई, पहले मेकअप कर देते हैं और फिर सलून जाते हैं. एंड यस, इस व्लॉग को बहुत सारा प्यार दिखाना है आप लोगों ने. हाँ, कुछ ऐसे ही कहते हैं. तो मैं सलून आ चुकी हूँ और अभी मेरी हेयर स्टाइलिंग हो रही है और आज मैं बहुत डिफरेंट तरह के अपने बाल बनवा रही हूँ. लेट्स सी वो मुझ पर कैसे लगेंगे. और जो मैंने ड्रेस पहना है वो मैं आपको दिखाती हूँ अभी. सो ये रहा मेरा ड्रेस और इसके साथ मैंने कहाँ गया, ये हील्स पहने हैं, आप लोग को नज़र आ रहे होंगे. ये मैंने इसके साथ चूड़ियाँ पहनी हैं और ओ सॉरी, यहाँ पर मैंने इसके साथ झुमके पहने थे जो कि मैंने अभी उतार दिए हैं. तो जब मैं पूरी रेडी हो जाऊँगी उसके बाद मैं आपको अपना पूरा लुक दिखाऊँगी. गाइस, मैं फाइनली रबीका के इवेंट में पहुंच गई हूं और आज मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी. आज मेरे साथ इतने सारे सीन हो रहे थे ना घर से निकलते हुए कि मुझे लगा था कि यार पता नहीं मुझे जाना चाहिए भी या नहीं, लेकिन खैर मैं साथ खैरियत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गई हूं और मैं पहुँची हूँ 11:15 पे. लेकिन शुक्र है 11:15 पे भी ठीक पहुँच गई, अब तक कुछ शुरू हुआ नहीं था, मतलब मैंने कोई परफॉर्मेंस मिस नहीं किया है. आप लोग मुझे आज इंस्टाग्राम पे देख के ज़रूर बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ, बिकॉज एंड मोमेंट पे मैंने जल्दी जल्दी ये ड्रेस डिसाइड किया है और मैं तैयार हुई हूँ, मेरा मेकअप मैंने खुद किया है. तो मुझे बताइएगा आप लोग कि मैं कैसी लग रही थी और मैं कोशिश ये करूँगी कि सबकी परफॉर्मेंसेस आपको ज़रूर दिखाऊँ और अगर मेरी किसी से मुलाकात होती है तो मैं उन लोगों से भी बातें करूँगी. लेकिन अभी सब लोग अपनी अपनी शूट करवा रहे हैं, अपनी अपनी रील्स बना रहे हैं, तो मैं यहाँ पे अभी अकेले बैठी हुई हूँ. तो मेरी रबीका से मुलाकात नहीं हो पाई है, मतलब मैंने देख लिया था रबीका को, उसका शूट चल रहा था तो मैं उससे बात नहीं कर पाई. सलून में ऐसा हुआ कि जैसे ही मैं सलून पहुँची तो मैंने देखा कि रबीका भी वहीं से ही तैयार हो रही है और हम दोनों एक ही रूम में थे. बट टाइम इतना शॉर्ट था कि मुझे बिल्कुल भी ब्लॉग बनाने का टाइम ही नहीं मिल पाया और जितनी एनर्जी से मैंने ब्लॉग शुरू किया था उसी के साथ मुझे रोकना पड़ गया, पता नहीं क्यों. अब यहाँ पर रबीका और हुसैन की एंट्री हो रही थी और यहाँ पर सब लोग ने अपने अपने मोबाइल्स ऑन कर लिए थे. एकदम धमाकेदार उन लोगों की एंट्री थी, बिल्कुल अलग स्टाइल में. आज सजे आए वे सारा शहर, आज हो गई आवे रब दी महर. हाय सजे आए वे सारा शहर, आज हो गई आवे रब दी महर. चिट्टा कुकड़ अस्सलाम वालेकुम. आपको बहुत बहुत मुबारक हो. आपको पता है आप बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं. आपको यहाँ पर अपने काले टीका लगाना चाहिए. लगा अभी काले फूल लगा के लगा दी, बहुत प्यारी लग रही है. जनाब अभी कलर की कलेक्शन बहुत प्यारी है, इस वजह से बहुत पसंद है और बहुत डिफरेंट लग रहा है. आप किसी ने भी नहीं था. अच्छा मतलब तुमने तुम्हारा कहने सर बहुत बहुत मुबारक हो और आप दोनों बहुत प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह से. आप कुछ कहना चाहेंगे, आपकी खुशी का आलम बताना चाहेंगे. आप खुशी का आलम दिखेगा आहिस्ता जिस तरीके से इवेंट्स आगे जाते रहेंगे. वो अगर आप नहीं भी कहना तो आपके चेहरे पर नजर आ रही है माशाल्लाह से, क्योंकि आप ओवरऑल बहुत प्यारे लग रहे हैं.
टाइम आ गया है कि अब यहाँ पर सबकी डांस परफॉर्मेंसेस होंगी और सब लोग अपनी अपनी जगह पे आके बैठ गए हैं और कुछ लोग खाना खा रहे हैं। जैसे ही वो खाना खाएंगे वो फौरन उसके बाद स्टेज के पास आ जाएंगे और अब मैं आपको सबकी तफसील से दिखाऊंगी डांस परफॉर्मेंसेस। लेकिन इसमें आज मेरा भी एक डांस परफॉर्मेंस है, लेट्स सी कि मैं कैसा करती हूँ। वैसे मुझे याद नहीं है भाई, आप सबसे गुजारिश है कि इस दर आज डांस फ्लोर की तरफ, टाइम बहुत कम है। मैंने डांट दिया तो प्यार से बोलो, प्लीज आप लोग इधर आ जाइए, टाइम बहुत कम है, बराए मेहरबानी आप लोगों से गुजारिश है। यहाँ पर बस यही अनाउंसमेंट हो रही थी कि जल्दी जल्दी इसी जगह पर आ जाएं, फिर डांस परफॉर्मेंसेस शुरू होने वाली हैं, बट सब लोग अपने अपने टाइम पर ही आए और उसके बाद जो डांस परफॉर्मेंसेस शुरू हुई हैं वो आप लोग आगे मुलाहिजा फरमाएंगे। सखियां ने सजना है, मैं भी सबर ना है, आज दिन चढ़िया तेरे नाम दा भी, आज सजया है वे सारा शहर, आज हो गई आवे रब दी महर, हाय सजया है वे सारा शहर, आज हो गई आवे रब दी महर, चिट्टा कुकड़ बने रे ते, चिट्टा कुकड़ बने रे ते, काश में दुपट्टे वाली मंगा सद के ते, जिस्म जैसे निगाहों पे जादू कोई,
جسم نغمہ کوئی جسم خوشبو کوئی आज दिन चढ़िया तेरे नाम दा वे आज सजया है वे सारा शहर आज हो गई आवे रब दी महर हाय सजया है वे सारा शहर आज हो गई आवे रब दी महर चिट्टा कुकड़ फाइनली गाइज मैं घर आ गई हूँ और मैं अपना व्लॉग पूरा रिकॉर्ड नहीं कर पाई. उसका रीज़न ये था मेरे मोबाइल की आज पता नहीं क्यों और कैसे चार्जिंग ख़त्म हो गई थी तो मैं एंडिंग रिकॉर्ड नहीं कर पाई और मैं अब रबीका से भी नहीं मिल पाई थी बिकॉज सब लोग डांस कर रहे थे और ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो गया था. अभी रात के बज रहे हैं 3 मुझे घर आना था. तो इस व्लॉग को हम यहाँ पर एंड करते हैं. होप आप लोगों को ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा. व्लॉग पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा. आपके अभिहा के यूट्यूब चैनल को मिलते हैं बहुत जल्द इंशाल्लाह न्यू व्लॉग के साथ. तब तक अल्लाह हाफिज़.